देखिए, अभी जो सम्मान आया है उस पर कानूनी राय लेकर के उसका जवाब फिर दिया जाए। आज ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को 7वां समन्स भेजा। इससे पहले हम सब जानते हैं कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को 6 गैर कानूनी समन्स भेजे हैं। तो जब ये मैटर कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, तो उसके बावजूद ईडी ने आज अरविंद केजरीवाल जी को 7वां इलीगल समन्स भेजा है। तो सवाल जरूर पैदा होता है कि क्या ये किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत भेजा जा रहा है, या इससे इसके पीछे इनकी क्या मंशा है? देखिए, अभी जो सम्मान आया है उस पे कानूनी राय लेकर के उसका जवाब फिर दिया जाए। तो बार बार तो पार्टी कह रही है कि अगर अदालत में मामला है तो ईडी को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हाँ, तो ये अभी कानूनी राय लेकर के उस पे जवाब देंगे। कल जो सर एक आंदोलनकारी किसान की खबर है, इस बीच किसान दिल्ली कूच के प्लान को फिलहाल कैंसिल किया है, आपको लगता है कि आंदोलन जो है वो जान माल के नुकसान की ओर बढ़ रहा है? मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और मेरी पुनः केंद्र सरकार से यही अपील है कि जो किसानों की जायज मांग है, जिसका वादा 2 साल पहले सरकार ने किया था, उसको पूरा किया जाना चाहिए और शांतिपूर्वक उनको आंदोलन करने के लिए दिल्ली में जगह दी जानी चाहिए। आज ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को 7वां समन्स भेजा। इससे पहले हम सब जानते हैं कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को 6 गैर कानूनी समन्स भेजे हैं, जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी के समक्ष रख दिया है। इसके बाद ईडी कोर्ट में गया था ये कहने के लिए कोर्ट को कि आप अरविंद केजरीवाल जी को बुलाए, लेकिन कोर्ट ने इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो मार्च में रखी है। तो जब ये मैटर कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, तो उसके बावजूद ईडी ने आज अरविंद केजरीवाल जी को 7वां इलीगल समन्स भेजा है। तो सवाल जरूर पैदा होता है कि क्या ये किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत भेजा जा रहा है, या इससे इसके पीछे इनकी क्या मंशा है? ये साफ आज हो गया है कि इनके इसके पीछे कोई कानूनी प्रक्रिया या लीगल स्ट्रैटेजी नहीं है, केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने की तैयारी कर रही है ईडी, और केवल बदनामी करने के लिए, मीडिया में ये चलाने के लिए कि देखिए हमने समन्स भेजा, मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए ये एक पूरी प्रक्रिया और साजिश रची जा रही है। और ये ईडी क्यों करना चाहती है? क्योंकि ईडी के जो आका है, केंद्र में बैठी हुई जो भाजपा सरकार है, उसको ये पच नहीं रहा कि कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर एक करारा प्रहार किया। भाजपा ने जो चंडीगढ़ का मेयर चुनाव घोटाला करके जो जीत लिया था, फर्जी वोट डलवाए थे, उस पे जब सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आया, तो आज भाजपा पूरी तरह से शर्मिंदा हो गया है और पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। और इसी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए अब ये वापस ईडी और सीबीआई का खेल रचना इन्होंने शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ हम ये भी सुन रहे हैं कि इंडिया अलायंस की मीटिंग्स हो रही है, और इसमें जो भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बातचीत चल रही है बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, और कई राज्यों में सीट की घोषणा जल्द से जल्द हो सकती है। तो भाजपा को ये अपने हार का डर सता रहा है कि अगर ये गठबंधन आगे बढ़ गया तो 2024 में हमारी सरकार कैसे आएगी। तो यही सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को रोकने के लिए वापस आज एक इलीगल गैर कानूनी समन्स भेजा गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।